हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अंकित और मैं आज आपको दिखाता हूं सोनी म्यूजिक सिस्टम जो कि मैंने अपनी बलेनो में इंस्टॉल करवाया हुआ है। मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको डिटेल में, इसकी क्या कॉस्टिंग आई थी, कहां से मैंने लगवाया था, क्या वारंटी है इसकी। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है सोनी का स्टीरियो। इसमें एप्पल कारप्ले है जो कि एप्पल के फ़ोन से कनेक्ट होने पे चलता है। ये वायरलेस नहीं है, इसमें डाटा केबल लगाने पे चलता है। मैं इसको ऑन करता हूँ, दिखाता हूँ मैं वो ऑन करके आपको कैसे वर्क करता है। ये देखो, ये है इसका यूज़र इंटरफेस जैसा कि आप देख रहे हैं। ट्यूनर, इसमें FM चलता है, इससे देख सकते हैं आप। FM हो गया, ये ब्लूटूथ है, ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है जिससे कि हम फ़ोन कॉल्स वगैरह ले सकते हैं इजीली इससे, और हम ऑडियो वीडियो ऑडियो चला सकते हैं, वीडियो चला सकते हैं इससे। ये इसमें एक ऑक्स का फंक्शन दिया हुआ है। ये मैंने USB अटैच की हुई है, ये यहाँ पे अंदर रख रखी है मैंने, उसमें लाइट लगती रहती है इसलिए ये मैंने अंदर रख रखी है। ये वॉइस कंट्रोल होती है इससे, ये होम पे आ जाता है। ये फ़ोन की फंक्शनिंग के लिए है, कॉन्टैक्ट वगैरह अभी मैंने कनेक्ट नहीं किया हुआ, ये इस काम करता है। इसके बाद इसमें ये USB का है। अब जैसे USB से क्या नाम है, USB में सॉन्ग्स पड़े हैं, ये एंड्रॉयड नहीं है जैसा कि इसमें जो YouTube वगैरह चल जाए, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ये पेन ड्राइव में मैंने गाने डाल रखे हैं इसमें जो कि प्ले होते रहते हैं। उसके बाद USB ऑक्स, ऑक्स का फंक्शन है ये। उसके बाद आता है रियर कैमरा। रियर कैमरा मैंने इंस्टॉल करा, ये अभी कनेक्ट नहीं करेगा, जब गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, बैक गियर लगेगा तब कनेक्ट होगा। ये सेटिंग्स हैं, जनरल सेटिंग होगी, डेट टाइम वगैरह इस तरह की। उसके बाद है ये साउंड की, साउंड को कैसे सेट करना हमें। उसके बाद ये विजुअल है, वॉलपेपर वगैरह, डिमर वगैरह, टच पैनल एडजस्ट। उसके बाद ये ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के लिए फ़ोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं आप। ये है भाई, अब मैं इसमें आपको रियर कैमरे की क्वालिटी दिखा देता हूँ। गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दिया है। जैसे ही स्क्रीन आएगी दिखाता हूँ मैं आपको, ये स्टार्टिंग ऐसे होती है इसकी। अब मैं इसमें रिवर्स गियर डालूँगा, ये देखना, मैं रिवर्स गियर डालूँगा इसमें। ये आ गया भाई, ये देखिए कैमरे की क्वालिटी है। सेंसर आवाज़ कर रहे हैं, गेट बंद है पीछे से। ये है इसकी नाइट में, दिन में काफ़ी अच्छी रहती है इसकी क्वालिटी, ठीक ठाक है। बात कर लेते हैं इसकी कॉस्टिंग की। ये पड़ा था मेरे को 15,500 में, पूरा कंप्लीट म्यूजिक सिस्टम पड़ा था इसका, सोनी का स्टीरियो है। इसमें दो सोनी के स्पीकर लगे हुए हैं आगे वाली खिड़कियों में, पीछे JBL के लगे हुए हैं उनमें, और बैक कैमरा मिला के ये पड़ा था मेरे को 15,500 का, जो कि मैंने 1-1.5 साल पहले लगवाया था इसमें, करीबन 2 साल पहले। ये मैंने सोनीपत से लगवाया था, यहीं से अपने लोकल मार्केट में। स्टीरियो की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, म्यूजिक की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये इसकी फंक्शनिंग है जो मैंने आपको दिखा दी है, आप इसको लगवा सकते हैं। इसमें क्या नाम है,
वीडियो नहीं चल पाते, जैसे कि यूट्यूब वगैरह हो गया, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एप्पल का फ़ोन है तो आप इससे कनेक्ट करके क्या नाम है म्यूजिक चला सकते हो, और मैप वगैरह यूज़ हो सकता है जैसा कि इसने दिखाया दिखाया भी हुआ है। और ये एक्स्ट्रा बॉस के साथ आता है, जैसे कि ये दिखा रहा है अब आपको, ये फॉर्मेट सपोर्ट करता है। 1.5 एम्पियर इसकी आउटपुट पावर है। इसका इसका नाम है XAV AX100। अगर आप इसको ऑनलाइन देखना चाहें तो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, फिर आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो क्या नाम है, आप मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।